फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात करेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की। जैसा कि आपको पता होगा, कंपाइलर के टोटल 6 फेज होते हैं, जिसमें से आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो होता है ये फोर्थ फेज पे आता है। जनरली इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो फेज होता है वो आपका एज ए इनपुट लेता है सेमेंटिक एनालिसिस का आउटपुट, और आउटपुट प्रोड्यूस करता है एक थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में। ये थ्री एड्रेस कोड क्या होता है, इसको फर्दर हम आगे डिटेल में देखते हैं। अगर हम थ्री एड्रेस कोड की बेनिफिट की बात करें, तो थ्री एड्रेस कोड आपको फेज का यूज क्या है, इसके लिए आप मेरा लेक्चर नंबर 6 रेफर कर सकते हैं। वहां पे मैंने डिस्कस किया था सिंगल पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर का। सिंगल पास कंपाइलर में क्या था कि जो भी कंपाइलर के सारे फेज थे उसको एक साथ हम अप्लाई करते थे, जो कि इनपुट लेता था आपका हाई लेवल लैंग्वेज और प्रोड्यूस करता था आपका एक असेंबली लेवल लैंग्वेज। लेकिन अगर मल्टी लेवल में जाए तो वहां पे सारे 6 फेज को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया था। एक था आपका फ्रंट एंड और एक था आपका बैक एंड पार्ट। फ्रंट एंड पार्ट में जिसमें कि लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये आपके फ्रंट एंड में आ गए। और जो आपके बैक एंड में था वहां पे कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन मैंने बैक एंड के पार्ट में रख लिया था। यहाँ पे जो फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड का जो आउटपुट होता है वो इनपुट लेता है हाई लेवल लैंग्वेज और आउटपुट क्या देता है आपको, थ्री एड्रेस कोड देता है। थ्री एड्रेस कोड या कह सकते हैं इंटरमीडिएट कोड के फॉर्म में कोड जनरेट करता है, और वही इंटरमीडिएट कोड जो आपका निकल के आया वही आपको एज ए इनपुट जाएगा बैक एंड पार्ट में। तो मल्टी पास और सिंगल पास का कंसेप्ट और वहाँ पे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का जो बेनिफिट्स है, इसका डिटेल लेने के लिए आप हमारे लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 6 को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप इंटरमीडिएट कोड में जनरेशन में हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आपके 3 काइंड से हम कर सकते हैं। पहला आपका आता है पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स नोटेशन। सेकेंड आपका होता है सिंटेक्स ट्री। सिंटेक्स ट्री नोटेशन। थर्ड आपका होता है थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड, इस थ्री एड्रेस कोड को हम दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं फर्दर। एक तो आपका होता है क्वाड्रपल एंड सेकेंड होता है आपका ट्रिपल। तो अगर हम यहां पे देखें तो इस 3 मेजर जो काइंड है आपके इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है थ्री एड्रेस कोड फॉर्म में। यहाँ पे जनरली आपके 2 मेथड हम यूज करते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, क्वाड्रपल और ट्रिपल। मैक्सिमम लैंग्वेज के कंपाइलर जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में करते हैं, लेकिन 2 और मेथड होते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन और सिंटेक्स ट्री, जिसका भी हम एज ए इंटरमीडिएट कोड के फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो 1 by 1 डिटेल में हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन को। पोस्टफिक्स नोटेशन, जनरली आपने देखा होगा कि जो भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं वो आपको 3 फॉर्म में दिख जाते हैं, एक इनफिक्स फॉर्म में, प्रीफिक्स फॉर्म में और आपका पोस्टफिक्स फॉर्म में मिल जाता है। जो पोस्टफिक्स नोटेशन होता है वही यहाँ पे हम एज ए यूज कर सकते हैं इंटरमीडिएट कोड के फॉर्म में। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, आपका सपोज इनफिक्स में हम ले रहे हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। अगर हम इनफिक्स में ले a प्लस बी, तो प्रीफिक्स में क्या हो जाता है प्लस ए बी, और पोस्टफिक्स में हो जाएगा ए बी प्लस। इनफिक्स में जो आपका ऑपरेटर है वो ऑपरेंड के बीच में आएगा, जो प्रीफिक्स में है वो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ऑपरेंड उसके बाद आएंगे। पोस्टफिक्स में क्या होगा, पहले ऑपरेंड आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा ऑपरेटर आएगा। तो जब भी हम यूज करते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठ सकता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम पोस्टफिक्स को ही क्यों ले रहे हैं, क्यों हम इनफिक्स को नहीं ले रहे हैं, क्यों हम प्रीफिक्स ले रहे हैं। इसके रीजन है कि पोस्टफिक्स इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे बेटरमेंट इंप्लीमेंटेशन इसी का होता है। और भी कई सारे रीजन है, जैसे पहला रीजन कि जो भी आपका
इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर पोस्टफिक्स का इम्प्लीमेंटेशन देखें तो आपका स्टैक में होता है, स्टैक के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं होता। थर्ड, जो भी पोस्टफिक्स फॉर्म में होगा वहां पे जितने भी ऑपरेटर होंगे उनका न तो कोई एसोसिएटिविटी होगा, न तो कोई उसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस होगा। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एज कंपेयर टू प्रीफिक्स और इनफिक्स काफी इजी होता है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हम इजीली कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो पोस्टफिक्स जो है काफी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आपका कंपाइलर में इंटरमीडिएट कोड को फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे अगर हम और एग्जांपल लें, सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी अगर आपका है तो इसको हम इस तरीके से पोस्टफिक्स में लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। कहने का मतलब अगर लेफ्ट टू राइट हम लेफ्ट से स्कैन करें तो ए ऑपरेंड आया, बी ऑपरेंड आया, सबसे पहला ऑपरेटर कौन आया, प्लस। तो सबसे पहले प्लस ऑपरेटर सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे देखें तो इनफिक्स में सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होगा, यहाँ भी आपका पहले प्लस सॉल्व होता है। जनरली इस फॉर्मेट को हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, लेकिन जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग के लिए सॉफ्टवेयर हुआ या कोई मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर हुआ तो वहाँ पर हम जनरली पोस्टफिक्स यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम पोस्टफिक्स नोटेशन को यूज कर सकते हैं एज ए इंटरमीडिएट कोड को। सेकेंड आपका होता है सिंटैक्स ट्री। जनरली सिंटैक्स ट्री में जो आपका लीफ नोड होगा, लीफ नोड आपका कोई ना कोई आपका ऑपरेंड होता है, जो इंटरमीडिएट नोड होते हैं वो आपके होते हैं ऑपरेटर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को अगर मुझे सिंटैक्स ट्री फॉर्म में रखना है तो ऑपरेटर क्या है आपका, प्लस है यहाँ पे, तो प्लस एज हम इंटरमीडिएट नोड रखेंगे और जो आपको लीफ होंगे वो क्या हम रखेंगे, ऑपरेंट लेंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी डिवाइड बाई डी। अगर यहाँ पे देखें इसका, तो इसका आप सिंटैक्स ट्री कैसे बनाएंगे, अगर सिंटैक्स ट्री देखना है इसको तो सिंटैक्स, क्योंकि सिंटैक्स ट्री फॉर्म में जो भी आपका ट्री बनेगा वही एज ए इंटरमीडिएट कोड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीन्स ट्री को ही हम इंटरमीडिएट कोड मान के उसको आगे फर्दर नेक्स्ट फेज के लिए हम दे सकते हैं। तो इसका इंटरमीडिएट कोड अगर मुझे सिंटैक्स ट्री बनाना हो तो कैसे बन जाएगा, अगर यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने कई बार पिछले डिस्कस किया था कि जिस भी ऑपरेटर को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं वो लीफ साइड होता है, और जिसको सबसे लास्ट में हम सॉल्व करेंगे वो आपका होता है रूट साइड। तो यहाँ पे देखें कि पैरेंथेसिस किसके साथ लगा है, बी प्लस सी के साथ, मतलब सबसे पहले कंपटीशन किसका होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में एडिशन का होगा। तो पहले हम एडिशन के लिए लेंगे, तो एडिशन के लिए इंटरमीडिएट नोट कौन सा हो गया, प्लस, और इसके दो ऑपरेंट क्या है, बी और सी। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का प्रेसिडेंस क्या होता है, दोनों का सेम होता है, लेकिन एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो इसका पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, इसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम डी से डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब कि अब इस टोटल रिजल्ट जो यहाँ पे कंप्यूट हुआ इसको मल्टीप्लाई करना है ए से, तो यहाँ पे अगेन आपका इंटरमीडिएट नोड हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा ए। तो आप देख सकते हैं यहां से अब क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इसका हो जाएगा। अब ये होल रिजल्ट को मुझे डिवाइड किससे करना है, डी से, तो होल रिजल्ट को हम डिवाइड लेंगे, किसके करेंगे डिवाइड, डी से। तो यही आपका क्या बन गया, ये आपका सिंटैक्स ट्री बन गया। इसको भी हम एज ए यूज कर सकते हैं क्या, इंटरमीडिएट कोड की तरह इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपका सिंटैक्स ट्री बन जाता है तो इसी से हम इजिली कैसे इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर इनफिक्स कैलकुलेट करना है तो मुझे फॉलो करना होता है लेफ्ट रूट राइट। अगर मुझे प्रीफिक्स बनाना है तो प्रीफिक्स में हम फॉलो करेंगे रूट लेफ्ट राइट, और अगर मुझे पोस्टफिक्स लेना है तो हम लेते हैं लेफ्ट राइट रूट। जो इनफिक्स और प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कैलकुलेशन है ये आपका ट्रेवर्सिंग है, इसी ट्री को अगर हम इस मैनर में ट्रेवर्स करें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इनफिक्स हो जाएगा,
अगर इस मैनर में रिजल्ट ट्रेवल करें, जो भी रिजल्ट आएगा प्रीफिक्स हो जाएगा, अगर इस मैनर में हम ट्रेवल्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स हो जाएगा। तो चलिए पहले अगर हम इसी ट्री से इनफिक्स निकालें तो इनफिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए बोल रहा है लेफ्ट रूट राइट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में चलते जाएंगे, लेफ्ट में लास्ट में कहाँ पहुँचे हम, ए से, और लेफ्ट में जब ए पहुँचे तो आ जाएगा यहाँ पे ए, इसके बाद रूट। अब इस ए का रूट क्या है, मल्टीप्लाई, और इसके बाद क्या है, राइट। अगर राइट आए तो फिर से राइट में फिर से हम लीफ तक जाएंगे, लीफ तक जाएंगे तो क्या मिला यहाँ से बी, इसके बाद ये लेफ्ट हो गया, इसका रूट क्या है प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, और इसका राइट क्या है सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से आएंगे, ये तो लेफ्ट पूरा, इसका अगर लेफ्ट देखें तो पूरा लेफ्ट कैलकुलेट हो गया, अब इसका लेफ्ट के बाद क्या है रूट, मतलब यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड और यहाँ आ जाएगा डी। इसी तरह से प्रीफिक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है, प्रीफिक्स क्या बोला, रूट लेफ्ट राइट, तो अब यहां से स्टार्ट कीजिए, ध्यान दीजिए पहले रूट आ रहा है, तो जैसे हम यहां पे स्टार्ट करेंगे टेबल्स करने, पहले रूट मिल गया तो पहले हम रूट ले लेंगे, रूट के बाद हम लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट आएंगे, लेफ्ट आएंगे तो मुझे फिर अगेन एक सब ट्री का रूट मिल रहा है, तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई भी ले लूंगा, इसके बाद क्या मिला, अगेन जाएंगे जब डेथ में, क्या मिला आपको ए मिला। अब इसके बाद रूट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद राइट में आएंगे, अगर राइट में जाते हैं इसके तो राइट में देखेंगे क्या हो रहा है आपका, अगेन एक रूट मिला यहाँ पे प्लस, तो हम ले लेंगे प्लस, इसके लेफ्ट में क्या मिला बी, तो यहाँ ले लेंगे बी, इसके राइट में क्या मिला सी, तो हम ले लेंगे यहाँ पे सी, और जब यहाँ तक हो गया तो आप देखिए टोटल सब ट्री एज ए लेफ्ट काम करेगा, ए एज ए रूट काम करेगा, और ये क्या करेगा एज ए राइट काम करेगा, तो रूट लेफ्ट भी टोटल हो चुका है, यहाँ पे बचा क्या, केवल राइट का बचा आपका डी, तो हम यहाँ पे डी भी लिख लेंगे। अब इसी तरह से अगर पोस्टफिक्स निकालना हो आपको, तो अगर इसका पोस्टफिक्स निकालना हो तो हम कैसे कर लेंगे, लेफ्ट राइट रूट, अब यहाँ से रीड कीजिए लेफ्ट तक आते जाइए, लेफ्ट में क्या आया आपका ए, तो पहले हम ए ले लेते हैं क्योंकि लीफ नोड पहुंच चुका, लेफ्ट के बाद राइट, अब राइट पे आइए, राइट पे क्या है प्लस है, लीफ नोड नहीं है, तो अगेन इसके लेफ्ट में आइए बी, तो यहाँ जाएगा बी, लेफ्ट हो गया इसका, इसके बाद राइट, इसके बाद राइट क्या आ जाएगा सी, सी के बाद क्या आ गया लेफ्ट राइट रूट, तो यहाँ आ जाएगा प्लस, और इसके बाद जब लेफ्ट हो गया ये भी टोटल हो गया, तो लेफ्ट लेफ्ट राइट रूट क्या आ गया मल्टीप्लाई आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टोटल का अगर देखें तो क्या हो गया ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सिंटेक्स ट्री का अगर हम सिंटेक्स ट्री बना लेते हैं तो उसी को इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको इनफिक्स और प्रीफिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इनफिक्स प्रीफिक्स को हम एज ए इंटरमीडिएट कोड का इंटरमीडिएट कोड के फॉर्म नहीं लेते हैं, पोस्ट फिक्स को ले सकते हैं, तो हम पोस्ट फिक्स का यहाँ से भी यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका थ्री एड्रेस कोड का, तो थ्री एड्रेस कोड को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, वहाँ पर डिटेल में कवर करते हैं कि थ्री एड्रेस कोड कैसे होता है। थ्री एड्रेस कोड आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।